बॉलीवुड सितारों की जिंदगी काफी अनोखी रही है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं फिल्मों की पुराने जमाने की टॉप एक्ट्रेस रति अग्निहोत्री के बारे में। सालों से आपको रति अग्निहोत्री दिखाई नहीं दे रही होंगी फिल्मी पर्दे पर, लेकिन हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जैसी बड़ी फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री रति अग्निहोत्री के बारे में कहा जाता है कि ये वो अभिनेत्री हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस रह चुकी हैं अपने ज़माने की। जी हाँ, उन्होंने 70 के आखिरी और 90 के दशक से लेकर 2001 से लेकर अब तक काम चालू रखा है। अनिल विरवानी के साथ साल 1985 में उनकी शादी हुई थी और साल 2015 में उन्होंने तलाक ले लिया था। बेटे तनुज विरवानी आपको दिखाई देते होंगे वेब सीरीज में। उत्तर प्रदेश के बरेली से मुंबई आने वाली रति अग्निहोत्री की पर्सनल लाइफ भी काफ़ी परेशानियों से जूझ चुकी है। रति अग्निहोत्री ने बिजनेसमैन और आर्किटेक्ट अनिल विरानी से शादी जरूर की 9 फरवरी को साल 1985 में, लेकिन जब रति अग्निहोत्री के पिता के गुजरने के बाद फिल्मों से दूर हुई वो, तो उनके फिल्मी सफ़र के अंत के बाद इन दोनों के बीच डाइवोर्स को लेकर भी लोगों के जहन में तमाम सवाल थे। आज हम आपको बताना चाहेंगे रति अग्निहोत्री के डाइवोर्स के बारे में। शायद आपको मालूम हो ना हो, लेकिन रति अग्निहोत्री के बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा विवादों से घिर गई थी। उनका डाइवोर्स भी काफ़ी ज़्यादा विवादों में रहा है दोस्तों। जी हाँ, रति ने कंप्लेन फाइल किया था अपने पति के खिलाफ। मेंटली बहुत परेशान रह रही थी। उनके पति सेवरल ओकेजन्स पर उन्हें एम्बैरस कर चुके थे। उन्होंने कंप्लेन किया था कि वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं शादीशुदा ज़िंदगी में। साल 2016 में तलाक के बाद ये राज खुले थे और इस ट्रॉमेटिक मैरिज से वो बाहर आए, क्योंकि 30 साल की शादीशुदा ज़िंदगी में उन्होंने काफ़ी परेशानियों का सामना किया था। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।